नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे तिल चौथ व्रत का अध्यापन कब और कैसे करें। देखिए, तिल चौथ व्रत का अध्यापन जिस सालगार में लड़के का जन्म हुआ हो या फिर लड़के की शादी हुई हो उस साल किया जाता है, या फिर अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते और आप व्रत को छोड़ना चाहते हैं तो आप व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। जब भी आप व्रत छोड़ें तो अध्यापन करके ही छोड़ें, बिना अध्यापन के आप व्रत ना छोड़ें। अगर आप तिल चौथ व्रत करते हुए 12 साल या फिर 16 साल हो गए तो भी आप व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अध्यापन करें तो कैसे करें। तिल चौथ व्रत का अध्यापन के दिन आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और 3 पाव यानी के 750 ग्राम तिल व 1/2 किलो गुड़ या फिर बूरा लें, उसका आप तिलकुटा बनाएं। इससे लगभग 1/4 किलो तिलकुटा बन जाएगा। 14 कटोरी लें और इस तिलकुटे को आप 14 कटोरियों में बराबर मात्रा में डालें और साथ में आप 11-11 रुपये दक्षिणा लगाएं और 1-1 पत्ता बिंदी का इन कटोरियों में रखें। 13 कटोरी तो आपने सुहागन महिलाओं को देनी है। 14वीं प्लेट है जो आपने अपनी सास को देनी है। सास के लिए आप साड़ी श्रृंगार का सामान और ससुर जी के लिए आप पेंट शर्ट और तिल कुटी वाली प्लेट रखकर मिंस कर आप अपनी सासू माँ को दें और चरण छूकर आशीर्वाद लें। बाकी जो 13 प्लेट हैं वो आपने सुहागन महिलाओं को देनी होंगी। आप चाहें तो 14 सुहागन महिलाओं को आप साड़ी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप 13 सुहागन महिलाओं को ब्लाउज पीस लगाकर भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप 1-1 सूती चुनरी लगाकर भी 13 सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप 1-1 कटोरी में तिल कुटी रख कर दे सकते हैं। इस तरह भी आप अध्यापन कर सकते हैं। अगर आप घर पर बुलाकर खाना खिलाकर ये सभी चीज़ें दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप खाना और तिल कुटी की प्लेट समेत ये सारा सामान आप घर पर भी बेच सकते हैं। तिल चौथ की कहानी सुने और सुनाएं। श्रद्धा पूर्वक चौथ माता को नमन करके विनती करें और कहें, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं अध्यापन कर रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान करना, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। तिल चौथ के उजमन के समय जमाने के लिए आप हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन आदि बनाए जाते हैं। इनमें से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।